नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हंगरी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, हंगरी सिरप को कैसे लेना चाहिए और हंगरी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि हंगरी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हंगरी सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। हंगरी सिरप का उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए और एलर्जी व नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे कि नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए हंगरी सिरप का उपयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भूख को बढ़ाने के लिए डॉक्टर हंगरी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। हंगरी सिरप भूख को बढ़ाकर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि हंगरी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हंगरी सिरप की वजह से नींद अधिक आ सकती है और शरीर में सुस्ती हो सकती है। हंगरी सिरप की वजह से वजन बढ़ सकता है क्योंकि हंगरी सिरप भूख को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में हंगरी सिरप की वजह से भूख कम भी हो सकती है। इसके अलावा हंगरी सिरप की वजह से गले, मुंह और नाक में सूखापन, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, दस्त, कब्ज, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स हंगरी सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हंगरी सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। हंगरी सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप भूख को बढ़ाने के लिए हंगरी सिरप को ले रहे हैं तो हंगरी सिरप को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना ज्यादा अच्छा होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर हंगरी 10 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन हंगरी सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको हंगरी सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हंगरी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हंगरी सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। हंगरी सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और हंगरी सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हंगरी सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतर्कता कम हो सकती है और नींद अधिक आ सकती है। जो व्यक्ति दिन के समय ऑफिस में जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर हंगरी सिरप को केवल शाम के समय लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को हंगरी सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है, जिसकी वजह से उनका ऑफिस का काम प्रभावित हो सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं हंगरी सिरप को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही हंगरी सिरप को लेने की सलाह देते हैं, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनके लिए हंगरी सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना हंगरी सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका हंगरी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।